भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान वेबिनार का करेंगे शुभारंभ। आज से शुरू होगी वेबिनार की श्रृंखलाएं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का रोड मैप किया जाएगा आज तैयार। प्रदेश के मंत्री चावेज और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत सहित करीब 130 लोग होंगे इसमें शामिल। चार दिन तक वेबिनार में नीतियों पर किया जाएगा मंथन। सीधी लाइव तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान वेबिनार का शुभारंभ कर रहे हैं। आज से चार दिनों तक चलेगी वेबिनार की श्रृंखलाएं। वेबिनार की सीधी लाइव तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। नीति आयोग के सीईओ अगले एक सप्ताह में वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। आज के वेबिनार में सर अभी तक लगभग 80 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है, जिसमें माननीय मंत्रीगण भी सम्मिलित हैं और विशेषज्ञ विभिन्न सेक्टर्स से, भले वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन्होंने ज्वाइन किया है। और मुझे भरोसा है सर कि दिन भर के डेलिब्रेशंस में हम उनके अनुभवों का पूरा लाभ ले सकेंगे। मुझे ये बताते हुए सर बड़ा संतोष है और बड़ा हर्ष भी महसूस होता है कि जिस प्रेरणा से और जिस भावना से नीति आयोग ने शासन का सहयोग किया है, उसे एक्सप्रेस करना तो संभव है, बट उसको अनुभव करना एक अपने आप में बिल्कुल ही विभिन्न प्लेन का अनुभव रहा है। तो मैं शुरुआत में ही उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, विशेषतः श्री अमिताभ कांत जी का, जिन्होंने इस वेबिनार को प्लान करने में, पार्टिसिपेंट्स का चयन करने में, विषयों को निर्धारित करने में, सबसेट्स को बनाने में उन्होंने और उनकी टीम ने हमारा पूरा मार्गदर्शन किया और हमें पूरा सहयोग दिया। मैं सर अधिक समय नहीं लेते हुए मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं श्री अमिताभ कांत जी को कि वो इस वेबिनार के बारे में और इस पूरी परिकल्पना के बारे में अपने विचार रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण तथा राज्य सरकार और नीति आयोग के मेरे सारे सहयोगियों, सर ये हमारे लिए नीति आयोग में बड़े अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों में एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए अपनी कार्य योजना तैयार करने में नीति आयोग की विशेषज्ञता को शामिल करने तथा उपयोग करने का निर्णय लिया है। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी पूरी टीम, हमारे सारे एडवाइजर्स मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और एक पार्टनरशिप में काम करेंगे और सर अगले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश को नंबर 1 स्थान पर लाने के हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सर जहां कोविड से अनेकों चुनौतियां आई हैं, वहीं ये हमें नए सिरे से सोचने और बेहतर पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती हैं। हमें अपनी संरचनाओं और प्रणालियों पर पुनर्विचार करने तथा सेवा वितरण के लिए अधिक कुशल और सरल मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। सब भूभाग की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की शक्ति के रूप में विशाल युवा आबादी तथा श्रम शक्ति की भागीदारी, समृद्ध संस्कृति, समृद्ध जल संसाधन एवं व्यापक परिवहन नेटवर्क है। सर आपके राज्य में कई उपलब्धियां हुई थी, सर कृषि इरिगेशन, सर रेवा का सोलर मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट जो बना वो सारा आपके नेतृत्व में बना सर। और हमारे हम चाहते हैं कि सर यही आपके नेतृत्व में नीति आयोग मिलकर सर पूरे मध्य प्रदेश को कई और क्षेत्रों में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इन सब क्षेत्रों में सर लर्निंग आउटकम, हेल्थ आउटकम, इन सब क्षेत्रों में आगे ले जाए। सर नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधक सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश अब 17 बड़े राज्यों में से 3रे स्थान पर है। सभी परिवारों के पास बैंक खाता है जिनमें से 51% महिलाओं के नाम पर है। सभी घरों का विद्युकरण किया गया है और 70% लोगों के पास मोबाइल है और 88% लोगों के पास आधार कार्ड है। प्राथमिक क्षेत्र में दूर सकल घरेलू उत्पाद के संगठन में वैश्विक और भारतीय बदलाव के बावजूद
मध्य प्रदेश ने पिछले एक दशक में कृषि के हिस्से में बहुत बड़ी वृद्धि के साथ इस प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है। जो सिंचाई और केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी नीतियों में सुधार से प्रेरित है। सभी बड़े राज्यों में सकल मूल्य वर्धन जीवीए में प्राथमिक क्षेत्र का उच्चतम हिस्सा है। सर, नीति आयोग ने अपने अनुभव और विशेषज्ञता के साथ राज्य की स्थिति को अच्छी तरह से अध्ययन किया है और राज्य को देश में अग्रणी राज्यों में से नंबर एक बनने के लिए विशिष्ट सिफारिशें तैयार की हैं। इन सिफारिशों को कार्य समूह चर्चा के दौरान सर हमारे सारे एडवाइजर्स प्रस्तुत करेंगे। सर, मुझे आशा है कि वेबिनार पर होने वाली यह चर्चाएं बहुत उपयोगी साबित होंगी और राज्य के लिए एक कार्रवाई योग्य रोड मैप बनाने में मार्गदर्शन करेंगी। सर, नीति आयोग एक डैशबोर्ड विकसित करने में भी राज्य की सहायता करेगा, जिससे सर हम सारे डिपार्टमेंट्स के कुछ आउटकम्स बना सके और इसी तरह सारे डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ आउटकम बना सके। और सर, वो डैशबोर्ड आप खुद मॉनिटर कर पाएंगे और सारे डिस्ट्रिक्ट्स की महीने पर महीने रैंकिंग हो पाएगी और सारे डिपार्टमेंट्स की रैंकिंग हो पाएगी। तो सर, हर महीने आपको पता चल पाएगा कि कौन डिस्ट्रिक्ट नंबर एक पर है, कौन डिस्ट्रिक्ट नंबर दो पर है और कौन डिस्ट्रिक्ट ठीक काम नहीं कर रहा है, और उसी तरह कौन डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है इन आउटकम्स पे और कौन डिपार्टमेंट ठीक नहीं कर रहा है। सर, ये हम आपके साथ मिलकर, चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर तैयार करेंगे। सर, हम आपके साथ पूरी पार्टनरशिप करेंगे और सर आपके लीडरशिप में हम पूरे सारे हमारे नीति आयोग के सारे ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग मिलकर सर एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ पूरा सहयोग करेंगे और मध्य प्रदेश को एक नंबर एक स्थान पर लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने मार्गदर्शन से हमें अनुरोध है हमसे। नीति आयोग के सीईओ मेरे मित्र, जिन्होंने इस वेबिनार को आयोजित करने में और रोड मैप बनाने में एक रियल पार्टनर की भूमिका निभाई है, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय अमिताभ कांत जी, जिनकी प्रतिभा का लोहा सारा देश मानता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश प्रभु जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथीगण, इस वेबिनार से जुड़े हुए अलग अलग विषयों के आदरणीय विशेषज्ञगण, सभी पार्टिसिपेंट, अधिकारीगण, मित्रों, आज का दिन मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है। मैं कोविड के दौर में चौथी बार मुख्यमंत्री बना। लगभग 4.5 महीने पहले और पहले कुछ दिन तो कोविड से लड़ाई में दिन और रात जूझते हुए निकल गए, लेकिन इस समय देश का नेतृत्व कर रहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो हर चुनौती को अवसर में बदलना जानते हैं। देश के सामने एक एक करके जितनी ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान संभव नहीं दिखता था, धारा 370 से लेकर अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण तक बड़ी सहजता और सरलता से एक एक समस्याओं का समाधान किया, और कोविड की लड़ाई जो उनके नेतृत्व में पूरे देश की जनता ने प्रखरता पूर्वक लड़ी, हम कोविड से लड़ भी रहे, हम जीतेंगे भी। मैंने भी दो हाथ कोविड से कर लिए और जीत के वापस लौट आया, लेकिन कोविड के समय प्रधानमंत्री जी ने कहा चुनौती है लेकिन इसको अवसर में बदलना है। उन्हें एक मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। आत्मनिर्भर भारत के पैकेजेस भी अलग अलग दिए। तभी मेरे मन में यह विचार पैदा हुआ, भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर बनेंगे, और राज्यों को आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाने का प्रयोग मध्य प्रदेश को करना चाहिए, उसके लिए रोड मैप बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश ने पहले भी काफी काम किए,
आदरणीय अमिताभ कांत जी ने उनमें से कुछ का जिक्र किया है, मैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। अधोसंरचना का विकास का मामला हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कृषि का विकास हो, अलग अलग सेक्टर्स में पहले भी अनेकों काम किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, मन में वे ही संकल्प है मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं जब अपने बारे में सोचता हूं तो मैं केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, मध्य प्रदेश को बदल के अपनी टीम के साथ नंबर एक के स्थान पर लाने के लिए मुख्यमंत्री हूं, जनता की जिंदगी में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री हूं, हर सेक्टर में मध्य प्रदेश अग्रणी कैसे हो इसका प्रयास हमें करना है। और इसलिए एक तो हमारा संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया उसको आईएमई इंप्लीमेंट करें, और मुझे बताते हुए खुशी है कोविड की चुनौती के बीच हमने भरसक प्रयास किए कि हम आत्मनिर्भर भारत के पैकेज को, गरीब कल्याण पैकेज को ढंग से नीचे इंप्लीमेंट करें। स्ट्रीट वेंडर की बात की प्रधानमंत्री जी ने, मध्यप्रदेश अग्रणी है छोटे छोटे सड़क पे काम धंधा करने वाले भाई और बहनों को ब्याज रहित लोन देने का, आईडली चीजों को इंप्लीमेंट करें ये प्रयत्न किया है। जैसी बात आई के कोविड के दौरान कई विदेशी कंपनियां भारत आ सकती है, हमने लेबर राज में क्रांतिकारी सुधार किए, मध्यप्रदेश ने कृषि में जबरदस्त उत्पादन किया, किसानों को मैं प्रणाम करता हूं। इस साल ही 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा, प्रिक्योरमेंट किया, अन्य के भंडार भरे हुए हैं, हॉर्टिकल्चर भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यही हमारे लिए चुनौती भी बन गया क्योंकि दाम बेहतर कैसे मिल पाए किसान को, यह समस्या खड़ी हो गई। जब किसी चीज की पूर्ति अधिक हो जाती है कीमत कम हो जाती है, उसने मध्यप्रदेश से हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया और हमने तय किया मध्यप्रदेश में किसान बाध्य नहीं है मंडी में अपना अनाज ले जाने के लिए, प्राइवेट मंडियां खुलेंगी उसमें अनाज बेचे, अपने खेत पे किसी व्यापारी को बेच दे, किसी एक्सपोर्टर को बेच दे, किसी प्रोसेसर को बेच दे, एक के बाद एक ऐसे कदम हम लगातार उठाते चले गए। उन कदमों के बारे में भी मुझे आज विस्तार से चर्चा नहीं करना, लेकिन जब मैं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की बात सोचता हूं, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर, कृषि में हमें चुनौती है, हम कृषि उत्पादों का वैल्यू एडिशन कैसे करें, हम अपने कृषि उत्पाद को एक्सपोर्ट कैसे करें, मध्यप्रदेश को बासमती का जीआई टैग मिले उसके लिए लड़ाई हम लड़ ही रहे, हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की संज्ञा खड़ी करने का फैसला किया, कृषि उत्पाद में विविधता और वैल्यू एडिशन किसान की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया लोकल को वोकल बनाओ, हमारे यहां महेश्वरी चंदेरी साड़ी से लगा के हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद बनाते, मैंने तत्काल निर्देश दिया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को विशेषकर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण किया जाए, अभी वो 20-20% ब्याज पे कर्जा लेके अपना अलग अलग चीजें बनाते हैं, हमने तय किया केवल 4% ब्याज पर उनको कर्ज दिया जाएगा। महिलाओं में गजब की रचनात्मक शक्ति होती है, उसको पूरी तरह से उपयोग करना, अलग अलग हमारे कुशल कारीगर हैं जिनके हाथों में कौशल है,
कैसे उनकी हम मदद करें जिससे वो अपने उत्पाद भी बनाए और मार्केटिंग से लेके पैकेजिंग तक में सरकार उनकी मदद करे। नई शिक्षा नीति पर आज प्रधानमंत्री जी संबोधित करने वाले। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए शिक्षा नीति में भी परिवर्तन, रोजगारोन्मुखी शिक्षा जो छठवीं से ही तय किया है भोकेशनल एजुकेशन का, मध्य प्रदेश उसको लीड करेगा। केवल अक्षर ज्ञान नहीं, शिक्षा के तीन उद्देश्य ज्ञान देना, कौशल देना, नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान को देंगे लेकिन हम कौशल भी देंगे ताकि रोजी रोटी के लिए भटकना ना पड़े। हाथों में कौशल है तो काम भी मिल जाएगा, नहीं अपना काम भी प्रारंभ कर सकते हैं। और देशभक्त, ईमानदार, चरित्रवान, परिश्रमी, नैतिक नागरिकों का निर्माण भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ तंग, अब हम उस पर भी चर्चा करने वाले। भौतिक अधोसंरचना पर आज बात होगी, बहुत काम हुआ है लेकिन मेरे दिमाग में कई तरह की चीजें हैं। अभी चंबल के बिहरों में हमने जहां कभी डकैत हुआ करते थे, अब डकैत तो बचे नहीं, मारे गए, लेकिन चंबल एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला किया। चंबल एक्सप्रेस वे केवल सड़क नहीं होगी, उसके दोनों तरफ, क्योंकि हमारे पास काफी जमीन वहां पड़ी हुई बिहरों की, दिल्ली से 3.5-4 घंटे में मुरैना आ जाते, वहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन सकते, वहां नई टाउनशिप की कल्पना की जा सकती है। की सड़क है लेकिन यहां जरूरत हो फोर लाइन, जरूरत हो सिक्स लाइन कर दे, और दोनों तरफ अभी प्रारंभिक विचार मन में आया। अधोसंरचना केवल कनेक्टिविटी नहीं, अधोसंरचना का उपयोग रोजगार के लिए, अधोसंरचना का उपयोग व्यापार के लिए, और उसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण, फिर अलग अलग सेक्टर्स है। अब हेल्थ एक चुनौती है, हेल्थ का इंसान तैयार करना, जब तक नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे, सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो मानव धन ही है, उसके लिए बेहतर व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट का बेहतर सिस्टम, टूरिज्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने काफी काम पहले किया है, लेकिन अपार संभावनाएं हैं। हनुमंतिया जैसे टापू हमने विकसित किए, सैलानी जैसे टापू हमने विकसित किए, लेकिन टूरिज्म में रोजगार देने की जबरदस्त क्षमता है, उसका पूरी तरह से हमको दोहन करना है। मध्य प्रदेश देश का दिल है, हम बीच में हैं, चारों तरफ मध्य प्रदेश से देश की चारों दिशाओं में सामान भेजा जा सकता है। ड्राई पोर्ट हमारे पास है, लॉजिस्टिक हब मध्य प्रदेश बन सकता है, उस पर ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अर्बन डेवलपमेंट उसके नए आयाम है, उस पर भी विस्तार से काम करना है। और अर्बन डेवलपमेंट की जब हम बात को, गरीबों को वहां स्थान कैसे मिले, झुग्गी झोंपड़ी रहित कैसे हो, इसलिए अर्बन डेवलपमेंट में गरीबों के लिए भी स्थान, उनके मकान, प्रधानमंत्री जी का सपनी है सबका घर हो अपना, उस दिशा में काम करना है। फिर हमारा रियल एस्टेट सेक्टर कैसे उठे, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट और रियल एस्टेट एक दूसरे के पूरक है। ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना है, अभी प्रधानमंत्री जी ने रीवा के हमारे 750 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया,
अभी मुरैना में छतरपुर में हमारे रतलाम मंदसौर नीमच साजापुर वहां सोलर की अपार संभावनाएं, पानी जो बांधों का है उनमें सोलर पैनल बना के बिछा के वहां से ऊर्जा पैदा करना, पानी के बाष्पीकरण को रोकने का प्रयास भी करना, ऊर्जा सेक्टर में काफी काम हमको करना है। एक नहीं ऐसे अनेकों सेक्टर है। फिर बड़ी समस्या है रोजगार की, रोजगार इन सबसे जुड़ा है। लेकिन जैसा अमिताभ कांत जी बता रहे थे, मध्य प्रदेश में जल संपदा, जन संपदा, खनिज संपदा, वन संपदा, हम अपनी खनिज संपदा का बेहतर दोहन कैसे कर सकते हैं, उस पर आधारित उद्योग कैसे लग सकते, कच्चा माल क्यों बाहर जाए, उसकी प्रोसेसिंग मध्य प्रदेश में क्यों ना हो, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर मध्य प्रदेश। और इसलिए इन सारे सेक्टर्स में अलग अलग काम करने की अपार संभावना है। अर्थव्यवस्था को गति देना है, कोविड ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, लेकिन हम निराश होकर बैठ नहीं सकते। कल ही मैंने रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट की समीक्षा की थी, हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हमको सोच नहीं होगा, हाथ पे हाथ रख के हम बैठ नहीं सकते कि क्या करें, पैसे नहीं है, उस पर हमें ध्यान देना है। और कुल मिला के रोजगार के ऐसे अवसर के कोई बेरोजगार ना बचे, उसके कई अलग अलग पहलू हैं, उससे विस्तार से आप चर्चा करेंगे, मैं ज्यादा समय ले लूंगा, ये 11:30 बजे से अलग अलग ग्रुप में डिस्कशन प्रारंभ होना है और आज शाम को इस डिस्कशन के बाद मैं वैसे तो दिन भर कहीं ना कहीं मैं जुड़ा रहूंगा वेबिनार से, लेकिन डिस्कशन के बाद जब हम कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, उस 5 बजे फिर हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर हृदय से अपने सारे पार्टिसिपेंट्स का अभिनंदन करता हूं इस निवेदन के साथ कि ये कर्मकांड नहीं है कि मुझे 3-4 दिन तक कुछ करते हुए दिखना है, ये अंतर आत्मा से मैं कह रहा हूं कि हमारा गंभीर प्रयास है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का। और जो सुझाव देंगे आप, मैं आपको वचन देता हूं जो इंप्लीमेंट करने लायक है उनको जमीन को उतारने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 15 अगस्त को जो प्रदेश को संबोधन मेरा होगा उसमें से जो एक्सपेरियल पॉइंट इस वेबिनार में से निकलेंगे मैं उसी दिन जनता के बीच भी उसकी पूरी रूपरेखा बना के और ऐलान करूंगा कि हम ये करेंगे। 3 साल में मध्य प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने प्रधानमंत्री के सपने के अनुसार, इसका रोडमैप टारगेट है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश लक्ष्य, वो रोडमैप आपके साथ बैठ के हम बनाएंगे। और मैं आपको ये वचन देता हूं कि जो टारगेट तय होगा रोडमैप बनेगा उसको पूरा करने के लिए टारगेट को हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। हम 1 साल में क्या करेंगे, हम 2 साल में क्या करेंगे और 3 साल तक हम कहां पहुंचेंगे, और 1 साल में भी जो हम करेंगे उसको भी क्वार्टरली बांटेंगे, 3 महीने में क्या, 6 महीने में क्या, 9 महीने में क्या, 12 महीने में क्या। अमिताभ जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप डैशबोर्ड बना के हमें देंगे, उसमें हमारी मदद करेंगे, मैं ऐसी विभागों की समीक्षा और जिलों की रहेंगी, क्योंकि गवर्नेंस एक बड़ा विषय है। अगर गवर्नेंस ऐसी नहीं है कि परिणाम दे रही हो तो फिर सारी चीजें बेमानी हो जाती है। इसलिए मूल्यांकन, आकलन और एक टिप्स पे हम देख लें कि कहां कहां क्या हो रहा है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कमियां कहां है, ताकि उसको ठीक कर सके। और इसलिए मेरे मित्रों, आप जो परिश्रम करेंगे चिंतन करके,
इस मंथन से जो निष्कर्ष निकालेंगे, अमृत निकालेंगे, मैं उस अमृत को जनता तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक बार मैं अमिताभ जी विशेष रूप से आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, नीति आयोग की टीम को धन्यवाद देता हूं, इतनी समर्पित टीम के। एक बार मैंने अमिताभ जी से आग्रह किया, उन्होंने खुद भी जुटे पूरी टीम, तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने वेबिनार का शुभारंभ किया है। और आपको बता दें कि आज से 4 दिनों तक वेबिनार की श्रृंखलाएं चलेंगी और आज से इसकी शुरुआत की गई है। और आत्मनिर्भर जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आज जुड़े हुए हैं विषय विशेषज्ञ इंटेलेक्चुअल, मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। समय समय पर अभी तो हम चर्चा करते रहेंगे 11 तारीख तक, और पूरा रोड मैप बना के फिर आपके सामने प्रस्तुत करके उसको क्रियान्वित करके दिखाएंगे। मेरे मंत्रिमंडल के सारे सहयोगी मौजूद हैं और वो भी अलग अलग सब ग्रुप्स में चर्चा में हिस्सा लेंगे, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और हम मिलकर एक बेहतर रोड मैप तैयार करेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्री संजय शाह जी से कि वे अपना प्रेजेंटेशन करेंगे। आप संजय जी, स्वागत आपका। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, आदरणीय विशिष्ट अधिकारीगण, सुप्रभात। मैं आपके अनुमति से अंग्रेजी माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में नीति आयोग के सोच प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो आपके सामने अभी अगले 10-15 मिनट तक मैं उस सोच को आपके सामने रखने की आज्ञा चाहता हूं। सर ये हमारी जो अभी जो एजेंडा है, ये हमने 5 विषय पर इसको अलग अलग करने की आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला है सर, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन क्या होना चाहिए, आपने पूरी इसकी दिशा दी है और हम चाहेंगे कि इसकी जो विजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन, मिशन एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स, ये 3 आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसमें सर विजन में इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस शुड रेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मीट एस्पिरेशन एंड प्रोपेल ग्रोथ, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये ग्रोथ को भी प्रोपेल करने की पहलू है, एंड इम्प्रूव ईज ऑफ लिविंग इन इंडिया टू ग्लोबल स्टैंडर्ड, ये एक बड़ी पहलू है इसमें जो हमारे विजन है। दूसरा है सर मिशन, टू डेवलप एन एक्शन प्लान टू इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट ओवर नेक्स्ट 5 ईयर, तो अगले 5 साल में इसकी रोड मैप जो आपने कहा है उसको बनाने में एक बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, और ये अपने हमारा मिशन एक बड़ा पार्ट है। फैसिलिटेट डिजाइन डिलीवरी एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड के बराबर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने चाहिए। फैसिलिटेट जेनरिक एंड सेक्टोरल रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एज पर ग्लोबल प्रैक्टिस, टू नेशनल रैंकिंग इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये एक बहुत बड़ा हमारा मिशन हमारी सोच से होनी चाहिए। अगला हमारा जो स्ट्रेटेजिक गोल है वो है कि प्रोवाइड ए पॉजिटिव एंड एनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर सिग्निफिकेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे वेरी पहलू आपके आगे जाके जो हम आपके सामने सोच अपना रखना चाह रहे हैं उसमें काफी महत्व रखता है। अडॉप्ट अ रोबस्ट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, इसकी भी बहुत बड़ी महत्व है जो हम आगे आपको बताएंगे।
leverage extra budgetary resources with minimal implicit and explicit exposure on state financial resources. ये सर जो हमारी बजटरी रिसोर्सेस है सर, जो वो एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है और हम उस पर उसको सिर्फ लीवरेज करने की हमें पहलू बहुत तेजी से करनी चाहिए ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बनाना चाहते हैं वो हम उसको बड़ी अच्छी से कर पाए. दैट ये एक बहुत बड़ा पहलू है सर. आपका माइक बंद हो गया है संजय जी. आपका माइक बंद हो गया प्लीज. एंड इंक्लूसिवनेस गोल्स डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट मेंटेन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट डिजास्टर रिजिलियंस गोल्स. ये भी एक बहुत बड़ी महत्व है सर, जिस पर हमको पूर्ण रूप से चर्चा करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए. क्रिएट अ फास्ट ट्रैक इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. इसकी बहुत जरूरी है. समय सीमा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत बड़ा पहलू है. लिवरेज टेक्नोलॉजी टू एनहेंस सर्विस स्टैंडर्ड एफिशिएंसी एंड सेफ्टी. तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में. हम जब तक लेटेस्ट मॉडल टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे तो हम जो सुविधा या जो देना चाहते हैं वो उस पर उपलब्ध नहीं होंगे. तो सर ये सब देखने के बाद सर जो हमारे एस्पिरेशनल स्टैंडर्ड है, हमने कई स्टैंडर्ड डिफरेंट सेक्टर्स पर कुछ स्टैंडर्ड आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं. एक है कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 24 घंटे सातों दिन पावर अवेलेबल फॉर ऑल. ये एक बहुत बड़ा मकसद है जो मध्य प्रदेश ने काफी हद तक कर चुके हैं और आगे और करने की आवश्यकता है. एफिशिएंट एंड ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में सर कई पहलू हम करना आपके सामने रखने की इच्छा रखता हूं. एनहांस रोड कनेक्टिविटी टू रिमोटेस्ट एरिया. उसके बाद सर वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो रेल मंत्रालय बना रहे, जो आपके प्रदेश में बहुत सारे अच्छे रेल वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहे हैं जैसे भोपाल ग्वालियर इस तरह का, उसमें भी बहुत सारे स्टेट प्रदेश की बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट जरूरत है. एयरपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन मोबिलिटी, बस कनेक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड इन 800 मीटर्स ऑफ हाउस. ये हमारा एस्पिरेशन है सर, हर लोगों के घर के 800 मीटर के अंदर हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे पाए, कोई मेट्रो स्टेशन दे पाए या कोई बस स्टेशन दे पाए. हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई में सर हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या और भी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम कंस्ट्रक्शन, उसकी हम कुछ पहलू आपके सामने रखना चाहेंगे. All households to have piped water supply meeting national standards by 2024. इसके अलावा सर डबलिंग फार्मर्स इनकम एक बहुत बड़ा पहलू है कि वो हमारी जो किसान हैं उनके थ्रू इंक्रीज इरीगेशन एंड माइक्रो इरीगेशन कवरेज, इंटीग्रेटेड एग्रो लॉजिस्टिक सिस्टम फ्रॉम फार्म गेट टू एंड कंज्यूमर्स, स्टोरेज प्रोसेसिंग पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन मार्केट एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है. सूटेबल सस्टेनेबल एंड स्मार्ट सिटीज, वाटर वेस्ट कलेक्शन ट्रीटमेंट रिसाइकलिंग ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स इन ऑल टाउन अक्रॉस सिटीज, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मोबिलिटी एंटरटेनमेंट बिजनेस हाई क्वालिटी रिवर फ्रंट एंड सेफ्टी, डिजास्टर रेजिलेंस डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट डिजास्टर रेजिलेंस स्टैंडर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर. इसकी पहले आपसे कर चुके हैं. लिवरेज टेक्नोलॉजी फॉर पब्लिक गुड, ये भी है कि उत्तम टेक्नोलॉजी लाने से हमारी जो सुविधाएं हैं वो भी और उत्तम बनेंगे, इसकी भी पहलू हम आपके सामने रखना चाहेंगे. अब सर ये सारी बात कहने के बाद ये विषय आती है कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसा करें. तो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम इसको डिलीवरी चाहते हैं और समय सीमा में चाहते हैं तो उसकी डिजाइनिंग प्लानिंग बहुत आवश्यक है.
तो रोल ऑफ अथॉरिटी, कंस्ट्रक्शन करना है, इंप्लीमेंट करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होगा, और फाइनेंसिंग कैसा करेंगे, इसकी पैसा कहां से लाएंगे, इसकी इसको हम करेंगे कैसा, इस पर सोच रखना बहुत जरूरी है। सर अथॉरिटी हमेशा ये सोच में पड़े रहते हैं कि ये मैं खुद करूं या किसी कंसेशन से करूं, इसकी कई पहलू हमेशा अथॉरिटी के सामने आते रहते हैं और इसकी कोई सटीक उपाय या सटीक निर्णय न लेने पर इसकी हमेशा ये विलंब होती है और उसको हमें शुरू से इस पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सर जो हमने कहा है कि अगर सूटेबिलिटी में अगर ये लॉन्ग टर्म एंड प्रेडिक्टेबल हमें है तो हमेशा इसको हमें प्राइवेट बुनियादी से इसको करने की पहलू करना चाहिए। अनसुटेबिलिटी जो प्रोजेक्ट जिसकी कोई जानकारी नहीं है, जिसको हमें मार्केट में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, उसी पर हमको करनी चाहिए सर। इसके बाद सर जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, बहुत बड़ी विस्तृत काम नीति आयोग ने किया अबाउट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सर हमेशा आप देखेंगे जितनी प्रोजेक्ट हम करना चाहते हैं वो ना तय समय में ना तय खर्चा में पूरा होता है। इसके महत्व वो बहुत बड़ा बहुत सारे कारण इसके पीछे हैं जिसके लिए एक टास्क फोर्स नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में बनी, जिन्होंने इस पर एक रिकमेंडेशन पिछले साल मई महीना में दिया और जो सारी स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया उसकी कुछ मूल्य पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे बड़ा इसकी एक रिकमेंडेशन ये थी कि इन एम्फेसिस ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्री मेड एक्टिविटीज, कोई प्रोजेक्ट करने के पहले हमें तैयारी हमारी पूरी तरह नहीं होने पर ये प्रोजेक्ट आगे जाके काफी कठिनाइयां ये करती है कि सामना करती है और वो समय पर वो खत्म नहीं होते कार्य। तो डिटेल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, ग्रेटर थ्रस्ट ऑन गुड स्कोपिंग, स्ट्रक्चरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, अपफ्रंट लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ी चीज है सर। हमेशा अक्सर देखा गया है कि लैंड एक्विजिशन नहीं होने पर प्रोजेक्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत चलती है और खर्चे बहुत बढ़ते चलते हैं, आर्बिट्रेशन ये सब बहुत आपकी प्रोजेक्ट को विलंब करती है। तो इसमें सर प्रोजेक्ट के लिए जो लैंड एक्विजिशन क्लियरेंस अप्रूवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टू डेडिकेटेड एसपीवी, ये जो नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन है सर, डीएमआईडीसी।